Hello friends, welcome. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformation life coach. तो आज मैंने एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो है सेल्फ लव, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप कभी भी वो चीज किसी को दे सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी नहीं हो, आई एम वेरी श्योर आपका जवाब यही होगा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, हमें से कोई भी नहीं दे सकता। सो वैसे ही अगर हम किसी को प्यार देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम खुद से प्यार करना जाने। आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो बहुत लविंग होते हैं, आप अगर उनकी लाइफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है ना वही ही बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ फ्रॉम माई इन साइड, लाइक फ्रॉम माई डेफ, मैं अगर खुद से प्यार करती हूँ तो मैं डेफिनेटली उन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी जो मुझसे भी प्यार करते हैं, मतलब वो एक्चुअली रेसिप्रोकेट करेंगे जिस भी एनर्जी से मैं वाइब्रेट कर रही हूँ। तो हमें कभी भी प्यार बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे वो कंडीशनल होगा, वो कभी भी अनकंडीशनल नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ कंडीशंस के साथ वो लव मांगने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो आपको मांग करके मिल रही होती है, आपको पता है कि उसकी लाइफ और उसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। तो अगर आपको सच में दूसरों से प्यार पाना है तो सबसे पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हमें से ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम खुद के लिए कर रहे हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है गिल्टी वाली, हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी एक व्हीकल की तरह हमें मिली है, हमारा जो भी पर्पस है इस अर्थ पे पूरा करने के लिए, उसके लिए ये बॉडी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमें खुद की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कभी भी इसके लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो मैं उनकी बातों के थ्रू देख सकती हूँ कि अगर वो कभी भी खुद के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत है, वो कुछ सेल्फिश है। ऐसा नहीं है, आप जब खुद के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, खुद को अच्छी फीलिंग दे रहे होते हैं, खुद को प्यार कर रहे होते हैं, तो वही चीजें आप रेसिप्रोकेट कर पाओगे। अगर आपको आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपका सर्कल अच्छा रखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद का ध्यान रखें, आप खुद की केयर करें, खुद को वैल्यू करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तभी ही आपको सामने से भी वो चीज मिलेगी। अगर आप सोचे कि लोग मुझे प्यार करेंगे तब मैं कंप्लीट होंगी, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट मूवी से आता है कि यू नो वी टुगेदर वी कंप्लीट ईच अदर, कि दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, स्पेशली अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो। बट ऐसा नहीं होता, आप दोनों इंडिविजुअली कंप्लीट हो और आप एक जब एक दूसरे के साथ होते हो तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो इसलिए जब हम लोग मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि जब हम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम सोचे होते हैं कि कोई हमें मिलेगा, हमारी लाइफ में आएगा जो हमें कंप्लीट करेगा। जब हम इस स्पेस से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, हमेशा हमारी लाइफ में ऐसा इंसान अट्रैक्ट होता है जो एक्चुअली हमारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, ना कि जो हम चाहते हैं उस क्वालिटी को रेसिप्रोकेट कर रहा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जैसे होगे ना, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो सिमिलर वाइब्रेशंस की होगी। अगर आपको खुद लगेगा कि मैं बिल्कुल खुद में कंप्लीट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सेल्फ लविंग हूँ, आई जस्ट नीड समबडी जिसके साथ मैं लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ और उसके साथ अपनी जॉय, हैप्पीनेस एंड कंप्लीटनेस को शेयर कर सकूँ, ना कि वो आके मुझे कंप्लीट करेगा। तो अगर आप इस प्लेस से आते हैं तो आपको हमेशा एक बहुत अच्छा, एक सही इंसान, एक सही पार्टनर आपकी लाइफ में मिलता है जो आपके साथ वो शेयर करता है आपकी जॉय और हैप्पीनेस। तो मेरा जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का, ये यही है कि आप प्लीज़ अपने सेल्फ लव जो होता है ना, आत्म प्रेम जिसको बोलते हैं, उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए। अपनी लाइफ में ध्यान से देखिए, क्या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को उतना प्यार कर रहे हैं जितना आपको करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप अपनी इमोशन सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ दूसरे लोगों को खुश रखने के लिए, आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि कुछ वक्त के बाद या तो आप डिजीज्ड हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो ये सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत बहुत बुरे होते हैं। हमारी मैक्सिमम डिजीजेस का जो कारण होता है ना वो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। तो अगर आप खुद की फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और इनफ ऑफ सेल्फ लव करते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो आप ये प्लीज बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप खुद का ध्यान ऑलरेडी रख रहे हैं तो उसके कभी गिल्टी मत फील कीजिए, बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि आप बहुत सही कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसा क्या स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको वो जो सेल्फ लव वाली फीलिंग है वो एनहांस हो। तो आप अपने आप का ध्यान रखें और इस तरफ अपना ध्यान ले जाए कि आपको आपका भी बहुत बहुत ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि मैं जो मैसेज आपको देना चाहती थी वो आपको समझ में आया हो। प्लीज खुद से प्यार करें, अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप सबसे प्यार कर पाएंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, एंड कमेंट इफ यू थिंक इट वाज वैल्यूएबल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।